गरीबों का आवास मुहैया कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार तमाम प्रयास कर रही है। इसको लेकर एक बड़ा कार्यक्रम धार जिले में होने जा रहा है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव जी हमारे साथ मौजूद हैं। गोपाल जी, किस तरह का कार्यक्रम है और लक्ष्य क्या है? हिंदुस्तान के लिए आजादी को 70 वर्ष हो गए। आवासों के बारे में बहुत चर्चा हुई, रोटी कपड़ा और मकान हिंदुस्तान के आदमी की जरूरत है। आवास के मामले में पिछली सरकारों ने बहुत ज़्यादा कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारत सरकार ने, जब से हमारी नई सरकार आई है तब से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना शुरू की है। इन योजनाओं के अंतर्गत उनका लक्ष्य है कि अब हम देश के सभी आवासीय लोगों के लिए हम आवास की उपलब्धता करवाएंगे। इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश में भी 28 तारीख को हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आवंटित होने वाली सभी राज्य के गरीबों के लिए, आवासीयों के लिए कुटीरों का कार्यक्रम। लगभग 3,30,000 कुटीर प्रथम चरण में इस वर्ष मध्य प्रदेश के आवासीय लोगों के लिए दिए जाने, 3 चरणों में लगभग कुल मिला के 12 लाख आवास कुटीर ग्रामीण क्षेत्र के जो आवासीय लोग हैं उनको आवास युक्त करने के लिए मिलेंगे। इतने ही लोग हमारे सर्वे के अंदर लगभग आवासीय हैं जिनके घर पर कोई छत नहीं है, जो दिन में सोते हैं तो सूरज दिखता है, रात में सोते हैं तो चंद्रमा और तारे दिखते हैं। ऐसे तमाम लोगों के लिए चिन्हित करके और भारत सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने ये अभिनव योजना शुरू की है के लिए, इस अभाव के लिए दूर करने का काम हमारी सरकार। सर, क्वालिटी एक्सपेक्ट यानी गुणवत्ता भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको लेकर क्या कुछ है? इसके क्वालिटी कंट्रोलर अलग रहेंगे और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोगों का जोर इस बात पर रहेगा कि बेहतर क्वालिटी की, और यदि हितग्राही चाहे तो उसमें से यदि कुछ पैसा ऐड करके बेहतर से बेहतर वो करना चाहता है, उसमें कुछ किचन बनाना चाहता है या बाथरूम बनाना चाहता है, कोई चीज़ बनाना चाहता है, तो इसके लिए भी हम लोगों ने उसको फ्री हैंड किया हुआ है। इतनी राशि तो उसको मिलेगी ही, यदि वो खुद मजदूरी करके या उसका परिवार का कोई व्यक्ति मजदूरी करके उसके साथ में, तो मान के चलता है यदि हम 1.5 लाख का प्रावधान कर रहे हैं तो 2 लाख रुपये तक का आवास तैयार कर सकता है। ये जन जागरूकता है, तो इसमें हम मेसन की ट्रेनिंग भी देंगे और इसके साथ ही लोगों के लिए किस तरह से बेहतर कम पैसों में अच्छा काम हो सकता है, इसकी हम ट्रेनिंग देने का काम जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर कर रहे हैं। सर, एक बहुत ही स्थायी समस्या है और हिंदुस्तान से जुड़ी हुई है, किसी एक सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि योजनाएं बनती हैं लेकिन जब योजनाओं को हितग्राही तक पहुंचाने की बात आती है तो कई जगह कमीशनखोरी होती है, कागजी कार्रवाई होती है, अधिकारी अड़ंगा लगाते हैं। इस योजना में ऐसा ना हो, उसके लिए क्या कुछ किया जाएगा? इसमें कमीशनखोरी के सारे रास्ते बंद हैं। यदि आदमी समझदार है तो 1 रुपया भी किसी को नहीं देगा, क्योंकि सूची जो है भारत सरकार से सीधी आई है और नेट पे निकाल के कोई भी जनपद के दफ्तर में या ग्राम पंचायत में कोई भी हमारा सचिव, रोजगार सहायक या गांव का पढ़ा लिखा आदमी नेट पे निकाल के देख सकता है। ये तो हमारा अधिकार है ही और देना ही पड़ेगा, ये तो हमको मिलेगी ही। उसको ना मिनिस्टर, ना जनपद, ना जिला पंचायत, ना ग्राम पंचायत, ना कोई उसमें हस्तक्षेप करके उसका अधिकार नहीं छीन सकता। यदि आदमी को ये सूची पूरी की पूरी दिखा दी गई कि इसमें कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता है, तो मैं मान के चलता हूँ कि उसमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत शुक्रिया गोपाल भार्गव जी। तो बहुत ही बड़ी योजना और क्रियान्वयन को लेकर भी यहाँ पर कई तरह की व्यवस्थाएं की गई है। सीधे तौर पर हितग्राही के अकाउंट में पैसा जाए, वो एक अच्छा घर बना सके, उसके लिए मजदूरी भी अगर वो करके अच्छा बनाना चाहता है तो उसकी भी तमाम व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर खुद मंत्री महोदय उम्मीद जता रहे हैं कि किसी भी प्रकार का जो भ्रष्टाचार है उसे यहाँ पर रोका जाना चाहिए और हितग्राही को ये मैसेज यहाँ पर कन्वे किया जा रहा है, उस तक ये संदेश पहुंचा जा रहा है, आपका हक सुरक्षित है, आप आगे आए। कैमरा गोपाल के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट।